कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सदर अस्पताल में कोविड जांच कराने हर दिन लोग पहुंचते रहे हैं। जांच में हर दिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोविड संक्रमण के कारण मौत भी हो रही है। नगर परिषद क्षेत्र में हर दिन ट्रेन से बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं। नगर परिषद के अंतर्गत हाट बाजार को खुली जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद लोग बाजार में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। नगर परिषद प्रशासक कौशलेश कुमार खुद बाजार में घूम घूम कर माइक से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नगर प्रशासक लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील करते नजर आ रहे हैं। कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करें, फेस मास्क पहन कर रखें एवं अपने पास हैंड सैनिटाइजर का। जो ग्राहक हमारे संपर्क में नहीं आवे, हम तो पहले सुरक्षित रहें। आपको पता है जो हमको बीमारी नहीं है, यहाँ घूम रहा है, खेल रहा है, ऑक्सीजन एकाएक कमा, हॉस्पिटल जाते जाते मर रहा है। ये भी कहते अरे जितना बुढ़वा बुढ़िया हलो उ सब मर रहा पहले से एक बीमारी है, वो भी नहीं है। ये भी आप देख रहे हैं जो अभी जो है कल की घटना आपको कह रहे हैं, वीरेंद्र प्रसाद के लड़का 24 वर्ष का लड़का था असनाबाद का, जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सामने है, दीनानाथ कंपाउंड बोलते हैं प्रायः आप लोग, वहाँ का वो जो है लड़का डेथ कर गया। श्याम जी को हो सकता है आप लोग पहचानते होंगे, हमको तो नहीं लगता है जो 40 से ऊपर उनका एज होगा, 40 से कम ही होगा, वो डेथ कर गए हैं। उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं सतर्क हों, नहीं डरें, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए, पहले जान है तो जहान है। यही हमारा जो है, हम अभी मंदिर में आए हैं, प्रणाम किया और आप ही लोगों से जो है करने आए हैं, भगवान को भी कहें जो हे प्रभु अब हमारे तिलैया को बकसिए, रक्षा कीजिए। अब हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, इस पर जरूर हमारे आग्रह पर विचार कीजिए, ये हमारा प्रार्थना है, निवेदन है। चलिए, धन्यवाद।